श्रीअंगन गायन लहि सच्ची। ऐश जो हमारी है ना, जो वो हमारी असली जो है फॉर्म है। ये मैडम ने कैप पहन ले, क्या हो गया? हेलो, माय नेम इज माया एंड आई कम फ्रॉम फ्रेंड्स, आई एम 21। दोस्तों आज है कनाडा में हमारा नौवां दिन। कल की तरह आज भी निकल रहे हैं गुरुद्वारे के लिए पहले, क्योंकि आज निकलते निकलते हमें हो गया टाइम काफ़ी, लगभग शायद डेढ़ बज चुका है, सवा एक डेढ़ बज चुका है। और अब हम निकलने वाले गुरुद्वारे। कमल भी आ गई घर से और साथ में थैला, पानी की बोतल। कल हमें पानी का बोतल का थोड़ा सा लग रहा था कि पानी नहीं लिया, लेकिन फिर भी काम चल गया। और आज हमने पानी की बोतल भी ले ली है दो, एक छोटी एक बड़ी, और साथ में ले लिया एक अम्ब्रेला जो हम लेके आए थे इंडिया से। तो अम्ब्रेला ले लिया, पानी की बोतल ले लिया, बैग में डाल लिया है और अब हम निकल रहे। अबे पूरा बोलने दो दे। अब हम निकल रहे गुरुद्वारे और वहाँ मिलेंगे अरोड़ा जी, शायद मिले, पता नहीं, हो सकता चले ना गए हों क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। दोस्तों गुरुद्वारे वाली रोड पे पहुँच चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि लगा था कि बारिश होने वाली है। और बारिश अभी हमारा भी है लगभग 2 किलोमीटर और हो रहा है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमने छाता भी खोल लिया है और अब हम चल रहे हैं आराम से। तो पहुंचते हैं फिर। ओह, छाता ढक गया। दोस्तों गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पे मेन हॉल भी खुल चुका है। पहले यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। पहले यहाँ पे हम जब यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता जा रहे हैं यहाँ पर जाते थे, लंगर हॉल के साथ ही था। वहाँ पहले दर्शन करते थे बाबा जी के, उसके साथ ही लंगर हॉल था, वहाँ जाके लंगर करते। आज हम करने वाले हैं दोस्तों मेन हॉल में दर्शन, और हॉल बड़ा अच्छा, रिपेयरिंग वाला काम बहुत अच्छा हुआ है। गुरपूज सेवा करे सत निर्मल मनोसाय, सुहागनी सदा कर पाया मैं भगवान इंद्र सिद्धि अंदर गए रहे सच्ची। आज लेट पहुंचे थे गुरुद्वारे में और हमने जाना था आज ग्रेमलिन मॉल, लेकिन वहां भी नहीं जा पाए, नहीं बन पाया प्रोग्राम। और शॉपर्स ड्रग मार्ट जाना था, वहां भी नहीं जा पाए क्योंकि निकलने लगे तो बारिश हो गई। अब फाइनली हम निकले हैं घर के लिए, क्योंकि हर्षित का फ़ोन आ गया था उसके, वो आज काम से जल्दी फ्री हो रहा है तो वो ही पहुँचने वाला है। तो घर चलते हैं, उसके लिए कुछ खाना वाना बनाना है। तो देखो बारिश, कनाडा की पहली बारिश में हम, और बड़ा अच्छा लग रहा है बस बारिश में बस। और लकड़ी हम अम्ब्रेला ले आए थे हम, तो अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुँचते धीरे धीरे पहुँचेंगे आराम से, और तब तक हर्षित भी पहुँचने वाला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर घर पर। तो दोस्तों बारिश रुक चुकी है और हम भी घर पहुंच चुके हैं, और हर्षित का फ़ोन भी दोबारा आया, आने वाला हूं बस। और बारिश के बाद, और देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, बाहर ही खड़ा हूं मैं समय करके। और बारिश का भी कुछ लगता है अभी दोबारा चांस है, शायद रात को आए। तो दोस्तों हर्षित आ चुका है, गाड़ी पार्क कर ली उसने। ऐश जो हमारी है ना, जो वो हमारी असली जो है फॉर्म है। एंड में हमें जहाँ से आए हैं वहीं भाई बहन आ रहे हैं, वो सब कुछ देता है, नहीं कोई करने की जरूरत ही नहीं, बस बंदा अच्छे बने रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो दोस्तों ये थे मिस्टर सैम मुरिया जो आए थे अपना पंपलेट लेके, हम बाहर खड़े थे तो हमसे मिले, और मिलते मिलते साथ ही साथ फिर हर्षित भी आ गए, तो हर्षित से भी काफ़ी बातें हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के। हम निकल पड़े हैं बग्गा साहब के घर के लिए, और रास्ते में अब अभी बस ये रेड लाइट से लेफ्ट होने वाले। तो ये है एंट्री गेट बग्गा साहब के घर के लिए। यहाँ से हम, ये जो आप देख रहे हो ये डोर, यहाँ से हम राइट में नीचे बेसमेंट के लिए स्टेयर जा रही है, यहाँ से हम नीचे उतरने वाले हैं। और उसके बाद ये नीचे उतरे हम यहाँ से, और यहाँ पे हम देखते हैं राइट में इनका एक रूम जो इनका मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रूम कितना बड़ा, बहुत स्पेशियस रूम है, और बेड डबल बेड के साथ काफ़ी स्पेस बचता है जो यहाँ पे। ये इनकी विंडो है जो वेंटिलेशन की विंडो। उसके बाद दोस्तों रूम से बाहर निकलते हैं, इनका किचन एरिया और इनके सामने इनका लिविंग स्पेस। दोस्तों रात को मुन्ना के यहाँ से आते आते बहुत लेट हो गए हम, और सुबह भी बहुत लेट उठे हम। लेट उठे हैं तो लेट, नाश्ता भी लेट,
और नाश्ता अब हमारा हो रहा है, दोपहर के 2 बजे नाश्ता हो रहा है, अब लंच पता नहीं, अब तो लंच स्किप हो जाएगा। दोस्तों कनाडा में आज हमारा है 10वां दिन और आज की वीडियो की शुरुआत थोड़ी लेट क्योंकि रात को हम गए थे फ्रेंड के यहाँ, टाइम हो चुका है 3 बजे का दोपहर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज भी मौसम है बारिश वाला, जाना था तो हमने आज कहीं घूमने लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि मौसम आज भी और कल का भी संडे का भी ऐसे ही रहने वाला है। और मौसम को देखते हुए हम हर्षित ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया वॉलमार्ट से, तो ये ऑनलाइन सारा सामान मंगा लिया, जो जो चाहिए था हमें, कोक की बोतल, दही, ऑनियन, टमाटो, गार्लिक, ये है खास दही, ये है ग्रेट वैल्यू की सॉल्ट, सॉल्ट ख़त्म था हमारे पास तो ये भी ऑर्डर किया था, ये मंगवा लिया 750 ग्राम का। तो कोई बात नहीं, ये है जिंजर, हम ख़त्म थी हमारे पास जिंजर मंगवा ली। दोस्तों आज के दिन सब कुछ लेट हो गया, नाश्ता भी लेट हुआ, सुबह लेट उठे, बच्चों का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया जाने का क्योंकि मौसम इतना ख़राब था तो हम जा भी नहीं पाए कहीं। अब बस निकले हैं बाहर, थोड़ा सा देखते हैं कि सामने दिख रहा है हमें डोलोरामा, प्रेस्टो कार्ड रिचार्ज कराना है, शॉपर्स ड्रग मार्ट से रिचार्ज होगा तो वो भी यहीं पर ये साथ ही है। तो दोस्तों पहले हम आ गए हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट में और कमल अपने डिपार्टमेंट में देख रही है अपना सामान, कुछ मेकअप का, ये सब टेस्टिंग के लिए क्या, टेस्टिंग के लिए। दोस्तों वहाँ से निकले हैं कार्ड रिचार्ज करा के और हम आ गए हैं डोलोरामा में। तो दोस्तों डोलोरामा में हम अंदर अभी यहाँ पे देख रहे हैं, वैरायटी भी बहुत सारी है यहाँ पे, स्लीपर सारी नीचे तक सारी स्लीपर। और ये कमर देख लिए हैट अपने लिए, लिखा होगा ना इधर देखो, ये टैग पे लिखा हुआ, टैग नहीं इधर नहीं, बाहर वाले में, बाहर वाले में, हाँ इस पे लिखा हुआ है। अरे वाह दिखाइए, हाँ अच्छी लगी। और इधर देखिए दोस्तों फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। दोस्तों ये शॉपिंग की, डोलोरामा से हमने थोड़ा सा सामान लिया और ये मैडम ने कैप, अरे पहन ले क्या हो गया और ये मैडम ने हमारी कैप ली है। वेट करते हैं अभी हर्षित की, हर्षित से बात हुई, कहता है मैं आ जाता हूँ यहीं पे लेने के लिए आपको, और हर्षित आ गए लेने के लिए हमें, अब जा रहे हैं हम घर वापस। चलो बैठो, लेट मी इंट्रोडक्शन प्लीज। तो दोस्तों ये तीन स्टूडेंट्स फ्रांस से आई हुई हैं, टाइम इस समय हो चुका है 12:30 के आसपास रात का, और अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब मैं मिलता हूँ आपको अगले दिन की वीडियो, तब तक गुड बाय, थैंक यू।